हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैक्स करेंगे चैप्टर नंबर सेवन कॉइंस एंड नोट्स जो कि आपके पेज नंबर थर्टी नाइन टू फोर्टी टू पर दिया गया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए इसके पहले के सिक्स चैप्टर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्ले का लिंक आपको दे दिया गया है अब आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे आपको कहा जा रहा है एक्सचेंजिंग बिग एंड नोट्स फॉर स्मॉलर वंस यहां पर आप क्या कर रहे हैं बड़े कॉइन को स्मॉलर कॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं या हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं तो चेंज फॉर वन रूपी इज वन रुपी क्वन को अगर आप चेंज करें तो क्या होगा फिफ्टी पैसे फिफ्टी पैसे में वो चेंज हो जाएगा फिफ्टी प्लस फिफ्टी जीरो 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 हो जाएगा फाइव फाइव टेन तो ये आपका हो जाएगा वन रुपी कॉइन तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि हंड्रेड पैसे इज इक्वल टू वन रुपी कॉइन आया समझ में तो बच्चों अगर आप टू रुपी कॉइन को चेंज करना चाहें तो आप देखो कैसे चेंज करोगे फिफ्टी पैसे के आपको चार कॉइन लेने पड़ेंगे अब अगर आप टू रुपी कॉइन को चेंज करना चाहे तो उसका एक और तरीका है कि वन वन रुपी के आपको टू बन जाएगा इसके अलावा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आप वन कॉइन ले लो और फिफ्टी फिफ्टी पैसे के कॉइन कॉइन ले लो तो इस तरीके से भी आपका बन जाएगा रुपी अब आ जाइए नेक्स्ट आपको अगर चेंज करना है फाइव रुपी कॉइन को तो आप कैसे करोगे देखो वन रुपी के आप स्ट्रेट फाइव कॉइन ले सकते हो तो आपका बन जाएगा फाइव रुपी तो यहां पर हम लिख सकते हैं फाइव फाइव वन रुपी कॉइन लोगे तो आपका फाइव रुपीज बन जाएगा इसके अलावा आप और क्या चेंज कर सकते हो टू टू रुपी का आप टू कॉइन ले लो और वन रुपी का एक कॉइन ले लो तो टू रुपी का यहां पर कितने कॉइन है तो यहां पर हम लिख देंगे टू ठीक है और वन कॉइन कितना है देखो यहां पर वन है तो यहां पर हम वन लिख देंगे ठीक है इसके अलावा एक और चेंज हम कर सकते हैं फिफ्टी पैसे के आप कितने कॉइन लेंगे तब जाके आपका फाइव रुपी बनेगा देखो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो अगर आप चेक करें तो यहां पर वन 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 कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव हो गया ना फाइव तो क्या पता चला हमें टेन फिफ्टी पैसे के कॉइन लोगे तब जाके आपका फाइव रुपी बनेगा तो लिख दो यहां पर टेन अब देखो नेक्स्ट आपको दिया है द चेंज फॉर अ टेन रुपी कॉइन ई अगर आप टेन रुपी के छुट्टे यानी खुले करना चाहें तो फिफ्टी पैसे के आपको कितने कॉइन लेने पड़ेंगे तब जाके आपका टेन रुपी होगा तो यहां पर अगर आप चेक करें यहां पर हमने फाइव रुपी के लिए टेन फिफ्टी पैसे के कॉइन लिए ठीक है तो हमें यहां पर कितना लेना पड़ेगा जब टेन फिफ्टी पैसे ले रहे हो तो आपका फाइव रुपये हो रहा है तो फाइव का डबल कितना है टेन है तो यहां पर हम क्या करेंगे टेन की जगह ट्वेंटी लेंगे तब जाके आपका टेन रुपये होगा ठीक है वन रुपये का कितना लेना पड़ेगा कॉइन जब जाके हमारा टेन रुपये होगा ये तो सिंपल है वन रुपी के टेन कॉइन लोगे तो आपका टेन रुपी हो जाएगा टू रुपीज के कितने कॉइन लोगे तो आपका टेन रुपये होगा तो यहां पर आप सिंपली टू को मल्टीप्लाई करो फाइव से तो आपका हो जाएगा फाइव टूजा टेन या टू फाइव टेन तो टू रुपी के आप फाइव कॉइन लोगे तो आपका टेन रुपीज बन जाएगा टू रुपीज के आपको कितने कॉइन लेना है और वन रुपी का कितना कॉइन लेना है तो आपका टेन रुपी बनेगा फोर कॉइन ले लो टू रुपीज के तो फोर टूजा हो गया एट ठीक है अब बचा है टू तो वन वन के टू ले लोगे आपका हो जाएगा टेन रुपी ठीक है फाइव का तो बहुत सिंपल है तो यहां पर हम फाइव फाइव के टू कॉइन लेंगे तब जाके हमारा टेन रुपीज बन जाएगा आया समझ में चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट देखो पेज नंबर फोर्टी पर एक आपको सिचुएशन दिखाई गई है उसको आपको देखना है और समझना है मम्मी के पास फाइव हंड्रेड रुपी का एक नोट है द मिल्क बिल इज रुपीज फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू आई डो नॉट है दूध वाले भैया आए इनका बिल हुआ है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू और इनके पास चेंज नहीं है मम्मी के पास फाइव हंड्रेड है देना इनको फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू है तो मम्मी ने क्या किया ये नंदू है मम्मी ने नंदू से कहा नंदू गो टू द शॉप एंड गेट चेंज फॉर दिस फाइव हंड्रेड रुपी नोट मम्मी ने नंदू को कहा कि आप जाओ शॉप पर और फाइव हंड्रेड रुपी का खुला यानी छुट्टा करके लेकर आओ तो देखो नंदू ने क्या किया फाइव हंड्रेड रुपी उसके पास ये नोट था उसने छुट्टा कराया क्या क्या मिला उसको फर्स्ट अगर आप देखें तो फोर हंड्रेड उसको मिले हैं हंड्रेड हंड्रेड के वन टू थ्री फोर फोर हंड्रेड तो ऐसे ही हो गए यहाँ पर फिफ्टी प्लस ट्वेंटी प्लस टेन प्लस टेन यानी फिफ्टी प्लस ट्वेंटी होगा सेवेंटी सेवेंटी प्लस टेन एटी एटी प्लस टेन नाइन्टी होगा तो यहां पर उसको नाइन्टी हो गया और टू टू के यहां पर उसके पास टेन कॉइंस हैं तो इस तरीके से यहां पर इसके पास फाइव हंड्रेड रुपीज हो गए इसके बाद मम्मी को अब इसको फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू देना है तो कौन कौन सी नोट्स उसके पास जाएगी मिल्क मैन के पास ये फोर हंड्रेड पूरे चले जाएंगे यहां से ये फिफ्टी चला जाएगा ठीक है यहां से एक कॉइन चला जाएगा तो इस तरीके से उनका हो जाएगा फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू मम्मी के पास क्या बच जाएगा देखो ये जो लास्ट के चार कॉइन है ये बचेंगे और टेन टेन के टू नोट्स ट्वेंटी का एक नोट आया समझ में ये पूरा का पूरा जो जो मैंने टिक किया है ये हंड्रेड के फोर नोट्स फिफ्टी का एक नोट और लास्ट का टू रुपी का एक कॉइन वो मिल्क मैन को चला जाएगा इस तरीके से उनका बिल पूरा हो जाएगा फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू का आया समझ में चलो आगे देखो यहाँ पर आपको एक और चेंज करके बताया गया है कि फिफ्टी को आप कैसे और ब्रेक कर सकते हो यानी फिफ्टी रुपी का आपके पास नोट है ट्वेंटी ट्वेंटी के टू नोट ले लो और टेन रुपी का एक नोट ले लो तो आपका हो जाएगा फिफ्टी रुपी इसके अलावा आप क्या कर सकते हो टेन टेन रुपीज के आप फाइव नोट ले सकते हो या टेन टेन रुपीज के फाइव कॉइन ले सकते हो इस तरीके से भी आपका बन जाएगा फिफ्टी रुपीज पर आपको ट्वेंटी रुपी का चेंज करके बताया गया है ट्वेंटी को आप कैसे चेंज कर सकते हो देखो फाइव फाइव के अगर आप फोर क्वेंस ले लेते हो अभी भी आपका बन जाएगा 20 रुपी। इसके अलावा के तभी भी आपका बनेगा 20 रुपी। अब, अब आपको बताना है कि ट्वेंटी कितने नोट लेंगे तब जाके आपका टू थाउजेंड रुपी होगा फिफ्टी रुपी के कितने नोट लेंगे तब जाके आपका टू थाउजेंड होगा हंड्रेड रुपयी का कितने नोट लेना पड़ेगा तो टू थाउजेंड होगा फाइव हंड्रेड के कितने नोट लेना पड़ेगा तब जाकर आपका टू हंड्रेड होगा ये अलग अलग टाइप में हमें बताना है टू थाउजेंड हमारे पास ऑलरेडी है नोट हमें ट्वेंटी का पता करना है ट्वेंटी के कितने नोट लेंगे तब हमें पता चलेगा तो देखो यहां से एक जीरो कम हो गया यहां से एक जीरो कम हो गया टू वन जा टू टू वन जो टू ठीक है दो जीरो बचे थे तो दो जीरो हमने ऐसे ही ऐड कर दिए तो क्या पता चला हंड्रेड नोट्स अगर आप लोगे ट्वेंटी रुपीज के तब जाके आपका बनेगा ठीक है। है अब हमें पता करना है 50 के। तो क्या करेंगे? एक जीरो पर एक जीरो ऊपर लगा दिया तो क्या पता चला फोर्टी नोट्स लोगे अगर आप फिफ्टी रुपीज के तब जाके आपका बनेगा टू थाउजेंड रुपीज इसके बाद हमें करना है हंड्रेड की हमें कितने नोट्स लेना है तब जाके हमारा

100 का टू डिवीजन यहां पर इन्होंने बताया है फिफ्टी का यहां पर एग्जाम्पल लिया है 50 में आप आप five five के के ले लोगे तो तो आपका बन जाएगा 20, 10, 10 के 3, तो यह हो गया थर्टी और यह हो गया ट्वेंटी दोनों को प्लस करोगे तो आपको फिफ्टी मिलेगा ठीक है यहां पर अगर आप देखें तो ट्वेंटी ट्वेंटी के टू नोट्स और टेन रुपी का एक नोट तो हो जाएगा आपका फिफ्टी अब नेक्स्ट पेज नंबर फोर्टी वन पर ही कंटिन्यूएशन आपको दिया एक्सरसाइज है एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर एक नोट आपको दिया गया है कितने रुपीज का फिफ्टी रुपीज का तो आपको क्या करना पड़ेगा फाइव रुपीज के कितने नोट आपको लेना है तब जाके आपका फिफ्टी रुपीज बनेगा सिंपल तो है बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे टेन फाइजा होता है फिफ्टी आपको टेबल्स तो आते होंगे ना तो फाइव रुपीज के अगर आप टेन नोट्स लेते हो आपका बन जाएगा फिफ्टी रुपीज आप टेन रुपीज के कितने नोट लेना पड़ेगा आपको

दोनों को प्लस करोगे अगर आप तो आपको फिफ्टी रुपीज ही मिलने वाला है आया समझ में नेक्स्ट अब यहां पर आपको हंड्रेड रुपी का नोट दिया गया है आपको बताना है फाइव रुपीज के आप कितने नोट लेंगे तब जाके आपका हंड्रेड रुपीज बनेगा ये हंड्रेड है आपको बताना है फाइव रुपीज के कितने नोट आप लेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको डिविजन कर लो फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन ये एक जीरो बच गया तो आगे लगा दो तो एक जीरो हो गया आपका ट्वेंटी तो क्या पता चला यहां पर ट्वेंटी नोट्स अगर आप लेंगे फाइव रुपीज का तब जाके आपका बनेगा हंड्रेड रुपीज नेक्स्ट यहां पर आपको बताना है टेन रुपी के कितने नोट लेना है और ट्वेंटी रुपीज़ के कितने नोट लेना है तो देखो हंड्रेड है तो सिंपल यहां पर हम क्या कर सकते हैं टेन रुपी के फोर नोट लेते हैं तो फोर्टी हो गया इसके बाद हंड्रेड में से फोर्टी माइनस करोगे तो आपका बचेगा सिक्सटी तो सिक्सटी के अगर आप टुकड़े करो तीन पार्ट्स में तो आपको ट्वेंटी मिलेगा तो यहाँ पर आप लिखो थ्री थ्री नोट्स लेना पड़ेगा आपको ट्वेंटी रुपीज के और फोर नोट्स लेना पड़ेगा टेन रुपीज़ के तब जाके आपका बनेगा हंड्रेड रुपीज़ आया समझ में अब ये तो सिंपल है देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है हंड्रेड को डिवाइड करना है आपको ट्वेंटी से सिंपल यहाँ से एक जीरो गया यहाँ से एक जीरो गया टू वन जा टू टू फाइव जेन तो यहाँ पर फाइव ट्वेंटी रुपीज़ के नोट लेना पड़ेगा तब जाके आपका बनेगा हंड्रेड रुपीज फिफ्टी रुपीज़ का तो आपको सिंपली पता है टू नोट्स लेना पड़ेगा तब जाके आपका बन जाएगा हंड्रेड रुपीज फिफ्टी फिफ्टी हंड्रेड आया समझ में चलो नोट कर लो इसको अब देखो नेक्स्ट आपको पेज नंबर फोर्टी टू पर दिया गया है टू थाउजेंड रुपीज का नोट है इसको आपको बताना है कि टेन रुपीज के कितने नोट आप लेंगे, तब कि आपका टू तो हंड्रेड नोट लोग टू थाउजेंड रुपीज ठीक है अब इस तरीके से हमें ट्वेंटी का बताना है तो हमें टू थाउजेंड दिया गया था टू तो थाउजेंड हमने ऐसे लिख दिया यहां पर ट्वेंटी है तो नीचे हमने ट्वेंटी लिख दिया यहाँ पे एक ज़ीरो कम हो गया यहाँ पे एक जीरो कम हो गया ठीक है टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू दो जीरो बच गए तो दो ज़ीरो हमने डाल दिया इस तरीके से आपका बन गया हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ के कितने नोट्स लेंगे तब जाके आपका बनेगा टू थाउजेंड तो सिंपली यहाँ पर हमें सेम वैसे ही करना है टू थाउजेंड लिख दो यहाँ पर डाउन साइड में लिखो फिफ्टी एक जीरो से एक ज़ीरो कम हो गया यहाँ पर फाइव वन जो फाइव फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी और एक जीरो बच गया ये वाला तो हमने लिख दिया ऊपर क्या पता चला फोर्टी फिफ्टी रुपीज़ के नोट लेना पड़ेगा तब जाके आपका बनेगा टू थाउजेंड हंड्रेड रुपीज़ के कितने लेना पड़ेगा हमें तब जाके हमारा टू थाउजेंड बनेगा तो ट्वेंटी यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा हंड्रेड रुपीज़ के नोट तब जाके हमारा टू थाउजेंड बनेगा फाइव हंड्रेड के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड करो अगेन टू थाउजेंड यहाँ पर है और नीचे है फाइव हंड्रेड तो ये टू जीरो से ये टू जीरो कम हो गया फाइव वन जो फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी तो क्या पता चला फोर फाइव हंड्रेड के नोट्स लेना पड़ेगा तब जाके आपका टू थाउजेंड बनेगा चलो नोट कर लो इसको भी नेक्स्ट इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है एंड हाउ मेनी ऑफ ईच तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है अजय के पास नाइन है अब कौन कौन सी है? ये हमें नहीं बताया है और इन नाइन नोट्स को मिलाने के बाद उसके पास है फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है हमें यह बताना है कि उसके पास कौन कौन सी कितनी नोट्स हैं क्वेश्चन समझ गया चलो तो देखो हमें क्या पता है इसके पास फाइव हंड्रेड रुपीज़ हैं किसके पास है अजय के पास है ठीक है फाइव हंड्रेड रुपीज़ है उसके पास और नाइन नोट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं देखो हम एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं एट नोट्स का और वन नोट का इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो एट प्लस वन नाइन होता है ठीक है अब यहाँ पर हमें ऐसे कुछ नोट्स लेना है ताकि मिलाने के बाद आपका फाइव हंड्रेड बन जाए तो हम लेंगे एट नोट्स ऑफ फिफ्टी रुपीज़ तो क्या होगा देखो एट नोट लिया है हमने कितने के फिफ्टी के तो एट फाइज़ा होता है फोर्टी ठीक है एट फाइज़ा फोर्टी और ये एक जो ज़ीरो है ये ज़ीरो हम यहाँ पर लगा देंगे तो आपका इस तरीके से क्या बना फोर हंड्रेड रुपीज़ हो गया अब हम क्या कर सकते हैं वन नोट लेंगे कितने रुपीज़ का फोर हंड्रेड में प्लस करोगे हंड्रेड तो आपका बनेगा फाइव हंड्रेड तो यहां पर हमारे पास मिल गया आंसर फाइव हंड्रेड देखो एक बार फिर से देख लो अजय के पास फाइव हंड्रेड रुपीज थे नाइन नोट्स थे हमें यह नहीं पता था कि कितने नोट्स हैं तो हमें बताना है कि उसके पास कितने नोट्स हैं तो हमने क्या किया एट प्लस वन नाइन होता है तो एट नोट्स हमने लिया फिफ्टी रुपीज के एट फाइजा होता है फोर्टी और ये जीरो फोर हंड्रेड आ गया वन नोट हमने लिया है हंड्रेड रुपीज का फोर हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड करोगे तो आपको मिलेगा फाइव हंड्रेड तो लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो अजे हैव एट नोट्स ऑफ रुपीज फिफ्टी एंड वन नोट ऑफ रुपीज हंड्रेड चलो नोट कर लो इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है स्वाति हैज सम हंड्रेड रुपी नोट्स फिफ्टी रुपी नोट्स एंड ट्वेंटी रुपी नोट इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स इज रुपीज फाइव हंड्रेड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज स्वाति हैव स्वाति के पास हंड्रेड रुपीज के कुछ नोट हैं फिफ्टी रुपीज के कुछ नोट हैं ट्वेंटी रुपीज yup. के कुछ नोट है कितने नोट है ये हमें नहीं बताया ये हमें बताना है और टोटल वैल्यू उसके पास कितना है 500 का तो हमें कितने कितने तो रुपीज के नोट लेना है तब जाके वो 500 होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा हंड्रेड रुपीज के कुछ नोट लेना पड़ेगा फिफ्टी रुपीज के कुछ नोट लेना पड़ेगा और ट्वेंटी रुपीज के कुछ नोट्स लेना पड़ेगा सबको मिलाने के बाद आपका बनना चाहिए फाइव तो क्या करेंगे देखो हम लोग यहां पर ले सकते हैं हंड्रेड रुपीज के थ्री नोट्स ले लो तो आपका बन जाएगा थ्री हंड्रेड फिफ्टी के आप क्या करो टू नोट लो तो क्या बनेगा देखो फाइव टू ज़ार टेन जीरो का जीरो तो हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर हो गया थ्री हंड्रेड प्लस यहाँ पर हंड्रेड तो आपका यहीं पर फोर हंड्रेड हो गया अब बच गया आपका वन हंड्रेड तो ट्वेंटी रुपीज़ के आप कितने नोट लेंगे तब जाके आपका हंड्रेड बनेगा फाइव नोट अगर आप लेते हैं ट्वेंटी रुपीज़ के तो आपके बनेंगे हंड्रेड रुपीज़ कैसे देखो फाइव जीरो जैर जीरो फाइव टू ज़ार टेन तो यहाँ पर आपका ये हंड्रेड हो गया ये आपका हंड्रेड हो गया ये आपका हो गया थ्री हंड्रेड सबको प्लस करोगे तो आपका मिलेगा 500 आया समझ में नेक्स्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है नंदू हैज सिक्स नोट्स वैल्यू ऑफ द नोट्स इज रुपी थाउजेंड विच डज नंदू हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच नंदू के पास सिक्स नोट्स हैं और उसका वैल्यू है थाउजेंड रुपीज आप कितनी नोट्स हैं वो हमें नहीं पता है वही हमें पता करना है नंदू के पास कितनी नोट्स हैं सिक्स नोट्स तो आप ऐसे लिखोगे नंदू हैज सिक्स नोट्स टोटल वैल्यू कितना है नंदू के पास थाउजेंड रुपीज तो लिख दो थाउजेंड हम क्या कर सकते हैं एक नोट लेंगे फाइव हंड्रेड का तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर फाइव हंड्रेड नेक्स्ट हम लेंगे फाइव नोट ऑफ हंड्रेड तो कितना हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा फाइव हंड्रेड आया समझ में देखो हमें टोटल सिक्स नोट्स लेना है तो फाइव प्लस वन सिक्स होता है तो यहां पर सिक्स नोट्स हो जाएगी टोटल करने के बाद आपको थाउजेंड मिले तो एक नोट हम ले रहे हैं फाइव का तो उसका वैल्यू रहेगा Five notes ले रहे हैं हंड्रेड के तो उसका भी वैल्यू फाइव हंड्रेड रहेगा जीरो प्लस, प्लस, प्लस तो थाउजेंड तो लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो नंदू हैज वन नोट ऑफ फाइव हंड्रेड एंड फाइव नोट्स ऑफ हंड्रेड चलो नोट कर लो इसको भी देखो नेक्स्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है सलमा हैज इलेवन नोट्स इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट इज रुपीज थाउजेंड विच नोट्स डज सलमा हैच अब देखो सेम क्वेश्चन है पहले वहां पर सिक्स नोट थे वैल्यू थाउजेंड ही था यहां पर इलेवन नोट्स हैं वैल्यू सेम थाउजेंड ही है तो कैसे कर सकते हैं हम सबसे पहले लिखो सलमा के पास कितनी नोट्स हैं तो सलमा के पास इलेवन नोट्स हैं हम लिखेंगे सलमा हैज इलेवन नोट्स ठीक है टोटल वैल्यू कितना है उसके पास वो भी लिख दो टोटल वैल्यू ऑफ नोट इज थाउजेंड हमें ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है तो देखो हम क्या करेंगे नाइन नोट्स ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड आया समझ में कैसे आया देखो ये नाइन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे हंड्रेड से तो आपको वैल्यू मिलेगा नाइन हंड्रेड इसके बाद हम क्या करेंगे टू नोट्स लेंगे फिफ्टी के ठीक है इसका वैल्यू आपका हो जाएगा हंड्रेड कैसे आया देखो टू नोट्स लिया है कितने के नोट्स लिए हैं फिफ्टी के तो आपका वैल्यू बनेगा यहां पर हंड्रेड जब तो आप प्लस करोगे यहां पर जीरो यहां पर जीरो नाइन प्लस वन यहां पर टेन आया समझ में इस तरीके से आप कर सकते हो हमने नाइन नोट्स लिए हैं हंड्रेड के तो नाइन हंड्रेड हो गया टू नोट्स लिए हैं फिफ्टी के तो आपका यहां पर हंड्रेड हो गया नाइन हंड्रेड प्लस हंड्रेड पर नाइन प्लस टू इलेवन होता है तो हमें ऐसे ही कुछ नंबर्स लेना है जिसको प्लस करने के बाद यहां पर इलेवन आए और यहाँ पर आपका थाउजेंड आए आया समझ में चलो नोट कर लो इसको नेक्स्ट देखो पेज नंबर फोर्टी टू पर आपको दिया गया है अगेन यहां पर नोट्स का एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज का है फाइव हंड्रेड का है टू थाउजेंड का है हंड्रेड रुपीज को आप क्या कर सकते हो टेन नोट्स ऑफ टेन रुपीज टेन रुपीज़ का अगर आप टेन नोट लेते हो तो आपका हंड्रेड बनेगा या आप अगर फिफ्टी रुपीज़ का टू नोट्स लोगे तभी भी आपका हंड्रेड रुपीज़ बनेगा द वैल्यू ऑफ वन हंड्रेड रुपी नोट इज टेन टाइम्स द वैल्यू ऑफ टेन रुपी नोट और ट्वाइस द वैल्यू ऑफ फिफ्टी रुपीज नोट ये हमने ऑलरेडी अभी इससे पहले देखा है चैप्टर के स्टार्टिंग में नेक्स्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो ये भी आप समझ लीजिए हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ के अगर आप फाइव नोट लोगे तब आपका 500 बनेगा इसके अलावा आप क्या कर सकते हो 10 नोट्स ले लो फिफ्टी रुपीज के तब भी आपका बनेगा 500 तो यहां पर देखो वही समझाया गया द वैल्यू ऑफ फाइव हंड्रेड रुपी नोट इज फाइव टाइम्स द वैल्यू ऑफ हंड्रेड रुपी नोट मतलब हंड्रेड रुपी अगर आप ले रहे हो तो उसका आपको फाइव टाइम पांच गुना आपको लेना पड़ेगा तब जाके आप फाइव तक पहुंचोगे या फिर अगर आप फिफ्टी रुपीज को कंपेयर करोगे 500 से तो आपको क्या करना पड़ेगा टेन टाइम्स यानी दस गुना आपको बढ़ाना पड़ेगा फिफ्टी रुपीज के नोट को तब जाके आपका वैल्यू बनेगा का का अब next, देखो आपको 2000 का दिया है 2000 में क्या कर सकते हो आप नोट्स ले लो 500 के तब जाके आपका वैल्यू बनेगा टू थाउजेंड का या फिर आप क्या कर सकते हो ट्वेंटी नोट्स ले लो हंड्रेड रुपीज के तब जाके आपका वैल्यू बनेगा टू थाउजेंड आया समझ में देखो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टू थाउजेंड रुपी नोट इज टाइम्स हंड्रेड रुपी नोट अब अगर आपको फाइव का नोट लेना है तो कितना टाइम्स आपको बढ़ाना पड़ेगा तब जाके आपका वैल्यू 2000 होगा तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था अब यहां पर फिर से मैं आपको बता देता हूं 2000 आपके पास है आपको 500 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने टाइम्स आपको बढ़ाना है 500 को तब जाके आपका वैल्यू 2000 होगा तो यहां पर हमने क्या किया था टू जीरो यहाँ पर कट किए टू जीरो यहाँ पर कट किए फाइव के टेबल में ट्वेंटी आता है फोर टाइम्स तो आपको क्या करना पड़ेगा फोर टाइम्स आपको बढ़ाना पड़ेगा फाइव हंड्रेड रुपी के नोट को ताकि आपका वैल्यू बन जाए टू थाउजेंड अब next आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ ऑफ नोट is, dash times that of रुपी नोट इज डैश टाइम्स दैट अब 100 रुपी को आप कितना गुना बढ़ाओगे तब जाके आपका टू थाउजेंड होगा तो सिंपल है देखो तो ये टू जीरो कट कर दो हंड्रेड में से और टू थाउजेंड में से टू जीरो बच रहा है ट्वेंटी बच रहा है तो ट्वेंटी टाइम्स आपको बढ़ाना पड़ेगा हंड्रेड रुपी के नोट को ताकि आपका वैल्यू बन जाए टू थाउजेंड रुपी का आगे समझ में और यहां पर चैप्टर नंबर सेवन कॉइंस एंड नोट्स आपका कंप्लीट होता है वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स से ऐसे ही और चैप्टर्स के सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए चैप्टर के साथ टिल देन टेक केयर बाय